भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व को सीधे सीधे धमकी दी। साक्षी महाराज ने उन्नाव के टिकट को लेकर अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। साक्षी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को एक धमकी भरा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। साक्षी ने पत्र में लिखा है कि उन्होंने अपनी मेहनत से करीब 15 साल बाद 2014 में उन्नाव की सीट जीती थी। पत्र में साक्षी ने उन्नाव का जातीय समीकरण और वर्तमान विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्ष के जाति का भी जिक्र किया है। साक्षी महाराज ने लिखा कि अगर पार्टी उनका टिकट काटती है तो जो पार्टी पर ओबीसी की उपेक्षा का आरोप लग रहा है वो सही साबित होगा। साक्षी ने लिखा है कि अगर पार्टी ने मुझे लोकसभा में उन्नाव से टिकट नहीं दिया तो प्रदेश और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के भावनाओं के आहत होने की पूरी आशंका है। साक्षी महाराज की इस धमकी भरे खत से शीर्ष बीजेपी नेतृत्व सकते में आ गया। यही कारण है कि दिग्गज नेताओं का टिकट काटने वाली बीजेपी ने साक्षी महाराज को उन्नाव से उम्मीदवार बनाया है।